देश के सबसे एलिजिबल बैचलर आज भी कहलाते हैं सलमान खान, बॉलीवुड के मोस्ट एलिजिबल बैचलर, जो कि आज तक शादी को लेकर रहते हैं सवालों में। ये बात सच है कि सलमान ने खुद कहा है कि अब शादी से उन्हें कोई मतलब नहीं, लेकिन नई रिपोर्ट का खुलासा है शर्मीन सहगल को लेकर। जी हाँ, सलमान खान से ये फिल्म हम दिल दे चुके सनम के सेट पर मिली थी जब शर्मीन सहगल, उस वक्त शर्मीन 2 या 3 साल की थी। अब उन्होंने फिल्म डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के नीस के तौर पर अपनी पहचान तो बनाई ही है, और ऐसे में सब जानना चाहते हैं क्या है उनका कनेक्शन सलमान से। तो आपको बता दें, उन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट शेयर किया और बताया कि सलमान ने एक बार उनसे पूछा था, क्या आप मुझसे शादी कर सकती हैं, और तुरंत उन्होंने शादी के लिए इस तरह की बात कर लोगों को चौंका दिया था। जी हाँ, सलमान ने उनसे कहा था, विल यू मैरी मी। जी हाँ, ये था सलमान का क्वेश्चन शर्मीन से। शर्मीन का नाम आपने बहुत कम सुना होगा फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन आपको बता दें, संजय लीला भंसाली के दिलों की जान है शर्मीन। आपको ये जानकारी देना चाहेंगे शर्मीन सहगल के बारे में कि शर्मीन बॉलीवुड में आपको बहुत कम नज़र आती होंगी। नेटफ्लिक्स में उनके सीरीज़ की हुई है चर्चा, हीरा मंडी में शर्मीन नज़र आई हैं, ताहर शाह के साथ लाइब्रेरी सीन को लेकर चर्चा बटोरती हैं। उनके फिल्म की बात करें तो मलाल और अतिथि भूतो भवा, ये उनकी फिल्म है। 28 साल की हैं, 28 सितंबर 1995 में जन्मी शर्मीन, जिनके पेरेंट्स हैं बेला सहगल और दीपक सहगल। वो संजय लीला भंसाली की नीस के तौर पर जानी जाती हैं। हीरा मंडी को लेकर इन दिनों उनकी काफ़ी ज़्यादा ही चर्चा है। संजय लीला भंसाली के साथ उनका कनेक्शन बड़ा है। जी हाँ, नीस है वो संजय लीला भंसाली की, और उनके काफ़ी क्लोज हैं। नेक्स्ट 9 लाइव्स रिप्तिक रिपोर्ट।